नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SM क्रिकेट ड्रीम्स पर। दोस्तों, एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप फाइनल जीता। भारत का यह एशिया कप 10वां फाइनल था। श्रीलंका के साथ एशिया कप में यह भारत का 8वां फाइनल था, जिसमें भारत को 5वीं बार जीत मिली। यह एशिया कप इतिहास का सबसे एक तरफा फाइनल रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 2018 के बाद 2023 में फिर एशिया कप चैंपियन बनी। एशिया कप मुकाबले में 21 बड़े रिकॉर्ड्स बने। आज हम इन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में। एशिया विजेता भारतीय टीम को 263 गेंद शेष रहते 10 विकेट से जीत मिली। हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के बदौलत भारत ने 2023 का एशिया कप फाइनल जीता। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लेते हुए श्रीलंका को एशिया कप के सबसे कम स्कोर 50 रन पर ढेर कर दिया। इस प्रदर्शन के लिए MD सिराज को $5,000 यानी कि 4.15 लाख रुपए और ट्रॉफी और प्लेयर ऑफ द मैच मिला। सिराज ने अपना इनाम मैदान कर्मियों को डोनेट कर दिया और सिराज ने फैंस का दिल जीता। दोस्तों, सिराज के लिए एक लाइक बनता है। सिराज ने पारी के चौथे ओवर अपने दूसरे ओवर में 4 विकेट लिए। वनडे में सबसे पहले किसी भारतीय गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया था। यही नहीं, उन्होंने 16 गेंद के अंतराल में सबसे तेज 5 विकेट लेकर श्रीलंका में चमिंडा वास के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। चमिंडा वास ने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ 16 गेंदों के अंदर 5 विकेट लिए थे। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पाकिस्तान के वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ा। वकार ने 1990 में शारजाह के मैदान पर 26 रन देकर 6 विकेट लिए थे। सिराज श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। उनसे पहले आशीष नेहरा ने 2005 में 59 रन देकर 6 विकेट लिए थे। उन्होंने ये प्रदर्शन इंडियन ऑयल कप के फाइनल में कोलंबो के मैदान पर किया था। मोहम्मद सिराज एशिया कप के फाइनल में 6 विकेट लेने वाले दूसरे ही प्लेयर बने। उनसे पहले श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने 2008 में भारत के ही खिलाफ 13 रन देकर 6 विकेट लिए थे। वहीं वनडे फॉर्मेट में किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में सिराज ने चौथी बेस्ट बॉलिंग की। उनसे पहले पाकिस्तान के आकिब जावेद ने 1991 में भारत के खिलाफ 37 रन देकर 7 विकेट लिए। उनके बाद अनिल कुंबले ने 12 रन और अजंता मेंडिस ने 13 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने पहली पारी के चौथे ओवर में 4 रन देकर 4 विकेट लिए। वह वनडे के एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। दुनिया के 3 ही बॉलर्स अब तक एक ओवर में 4 विकेट ले सके हैं। सिराज के अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद शमी 2003 में और इंग्लैंड के आदिल रशीद 2019 में ऐसा कर चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। उन्होंने एक ओवर मेडन भी फेंका। एशिया कप इतिहास में ये किसी भारतीय की बेस्ट बॉलिंग है। उनसे पहले ऑफ स्पिनर अरशद अय्यूब ने 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन देकर 5 विकेट लिए थे। चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव ने भी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन देकर 5 विकेट लिए थे। श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ 15.2 और महज 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह स्कोर किसी भी टूर्नामेंट फाइनल का सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले साल 2000 में श्रीलंका ने ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत को 54 रन पर ऑल आउट किया था। T20 फॉर्मेट के फाइनल में भी यह सबसे छोटा स्कोर ही है। 2017 में आयरलैंड की टीम डेजर्ट कप फाइनल में 71 रन पर ऑल आउट हो गई थी। श्रीलंका के नाम एशिया कप फाइनल में सबसे छोटे स्कोर का रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले रिकॉर्ड भारत के नाम था। टीम इंडिया 2008 में श्रीलंका के ही खिलाफ 173 रन बनाकर ऑल आउट हुई। एशिया कप फाइनल में इससे पहले श्रीलंका का सबसे कम स्कोर 1988 में आया था। तब टीम भारत के खिलाफ 106 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। श्रीलंका के नाम एशिया कप के सबसे छोटे स्कोर का अनचाहा रिकॉर्ड भी चढ़ गया। उनसे पहले बांग्लादेश की टीम साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश की टीम साल 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ 94 रन पर भी ऑल आउट हो चुकी है। भारत के खिलाफ श्रीलंका टीम पहली बार 50 रन पर ऑल आउट हुई है। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का सबसे छोटा स्कोर भी इस साल जनवरी में आया था। तिरुवनंतपुरम के मैदान में श्रीलंका 73 रन पर बनाकर ऑल आउट हुआ था। 50 रन का स्कोर वनडे में श्रीलंका टीम का दूसरा सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2012 में 43 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। भारत के खिलाफ किसी भी टीम का वनडे में सबसे छोटा स्कोर भी बना। श्रीलंका से पहले बांग्लादेश टीम 2014 में मीरपुर के मैदान पर 58 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम का सबसे छोटा स्कोर जिम्बाब्वे के नाम है। टीम 2004 में श्रीलंका के खिलाफ 35 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने सबसे तेज जीत हासिल की। श्रीलंका से मिले 51 रन के टारगेट को भारत ने 6.1 ओवर में हासिल कर लिया। टीम ने 263 गेंदे बाकी रहते जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने 2001 में केन्या को 231 गेंदे बाकी रहते हराया था। तब भारत ने 11.3 ओवर में मुकाबला जीता था। वनडे फॉर्मेट में किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की गेंदे बाकी रहते सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 263 गेंदे बाकी रहते मुकाबला जीता। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में इंग्लैंड को 226 गेंदे बाकी रहते ट्राई सीरीज का फाइनल हराया था। टीम इंडिया वनडे टूर्नामेंट के किसी भी फाइनल में दूसरी बार 10 विकेट से जीती है। भारत ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज फाइनल में 197 रन का टारगेट बगैर विकेट गवाए हासिल किया था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में इंग्लैंड को ट्राई सीरीज का फाइनल 10 विकेट से हराया है। भारत ने इसी एशिया कप में दूसरी बार 10 विकेट से जीत दर्ज की। इससे पहले टीम इंडिया ने नेपाल को 10 विकेट से के अंतर से हराया था। टीम ने ओवरऑल 10वीं बार वनडे में 10 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने वेस्टइंडीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबर की। वेस्टइंडीज ने भी 10 विकेट से 10 वनडे जीते हैं। गेंदे फेंके जाने के हिसाब से भारत और श्रीलंका के बीच सबसे छोटा वनडे फाइनल हुआ। एशिया कप फाइनल में महज 129 गेंदों का खेल हुआ। भारत ने 37 और श्रीलंका ने 92 गेंदे खेली। सबसे छोटे वनडे के हिसाब से यह मैच तीसरे नंबर पर रहा। नेपाल और अमेरिका के बीच 2020 में खेला गया वनडे 104 गेंदों में ही खत्म हो गया था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच 2001 में वनडे मुकाबला महज 120 गेंदों में ही पूरा हो गया था। एशिया कप 2023 में कुल 7 शतक लगे। शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में बांग्लादेश के नजमुल शांतो, मेहदी हसन, मिराज पाकिस्तान के इफ्तिकार अहमद, बाबर आजम, भारत की विराट कोहली के एल राहुल, शुभमन गिल। शांतो ने इस संस्करण का सबसे पहला शतक लगाया था, जबकि सबसे ज्यादा 3 शतक भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए।
टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज शुभमन गिल शीर्ष पर रहे, उन्होंने 6 मैचों में 302 रन बनाए। वहीं श्रीलंका के कुशल मेंडिस 6 मैचों में 270 रन बनाने के साथ दूसरे और श्रीलंका के सदीरा समर विक्रम 6 मैचों में 215 रन बनाने के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस साल एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए, उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 11 छक्के जड़े। गेंदबाजी की बात करें तो एशिया कप के संस्करण में कुल 3 बार गेंदबाज 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे। इनमें सिराज के अलावा कुलदीप यादव और दुनित विला लगे शामिल है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में श्रीलंका के मथिशा पथिराना शीर्ष पर रहे, उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज ने 5 मैचों में 10 विकेट लिए। इसके अलावा विला लगे और अफरीदी में 10-10 विकेट लिए। एशिया कप 2023 में 3 बार 300 से ज्यादा के स्कोर बने, सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम रहा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मैच में 2 विकेट गंवाकर 356 रन बनाए थे। वहीं पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ 342 रन और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ 334 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 में 2 बार 10 विकेट से जीत हासिल की। एक बार टीम ने नेपाल को और फिर फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 10वीं बार वनडे में 10 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने वेस्टइंडीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबर की। वेस्टइंडीज ने भी 10 विकेट से 10 वनडे जीते हैं। एशिया कप 2023 का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम रहा। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 191 रन की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर विराट कोहली रहे। विराट ने नाबाद 122 रन की पारी खेली थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह पारी खेली थी। वहीं शुभमन गिल की 121 रन की पारी बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे नंबर पर है। एशिया कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े का रिकॉर्ड मोहम्मद सिराज के नाम रहा। उनके द्वारा फाइनल में 21 रन पर 6 विकेट लिए गए। इस संस्करण का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर रहा। दूसरे नंबर पर भारत का ही गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वह लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका के दुनित विला लगे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। विला लगे ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे। एशिया कप 2023 में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड केएल राहुल और विराट कोहली के नाम रहा। इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर के महामुकाबले में तीसरे विकेट के लिए नाबाद 233 रनों की साझेदारी निभाई थी। दूसरे नंबर पर 214 रन की साझेदारी के साथ पाकिस्तान के इफ्तिकार अहमद और बाबर आजम हैं। तीसरे स्थान पर बांग्लादेश के नजमुल शांत और मेहदी हसन मिराज हैं। इन दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 194 रन की साझेदारी निभाई थी। 3 या इससे ज्यादा टीमों के टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका की टीमें अब तक 20 बार फाइनल में भिड़ चुकी है। इसमें से भारत ने 10 फाइनल जीते जबकि श्रीलंका ने 9 फाइनल में जीत हासिल की। 2002 में हुए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों टीमें संयुक्त विजेता घोषित की गई थी। पिछली बार ये दोनों टीमें 2014 T20 विश्व कप के फाइनल में आमने सामने आई थी, तब श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया था। वनडे हुआ T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका 8 बार आमने सामने आ चुके हैं। इसमें से टीम इंडिया ने 5 फाइनल मुकाबले जीते जबकि श्रीलंका को 3 फाइनल में जीत मिली थी। एशिया कप में रोहित शर्मा ने 10,000 वनडे रन पूरे किए। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और क्रिकेट की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।